दुबई का मैरिज सर्टिफिकेट है, इस पे सऊदी का अटेस्टेशन स्टेप बाय स्टेप किस तरह से किया जाता है मैं आज आपको बताने वाला। तो सऊदी का अटेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। देखो यहाँ लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ऐसा मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए होता है। और अटेस्टेशन कभी भी मैरिज ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट के पीछे होता है। इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद इस तरह का रबर स्टैम्प चाहिए होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इस पे इस तरह का ओरिजिनल रबर स्टैम्प चाहिए होता है और साइन चाहिए होता है रजिस्ट्रार का। देखो इस पे लिखा है मैरिज रजिस्ट्रार का इस स्टैम्प होके साइन होना जरूरी है, तभी ही उस पे अटेस्टेशन होगा। और आजकल काफी मैरिज सर्टिफिकेट जो कंप्यूटराइज जनरेटेड कोड के साथ आते हैं, जो उसके पे QR कोड होता है, तो वो चल जाते हैं। नहीं तो इस तरह का ओरिजिनल चाहिए सर्टिफिकेट और इस तरह का रबर स्टैम्प और साइन होना जरूरी है, और इसके बैक साइड पे अटेस्टेशन होता है। काफी बार काफी लोग सर्टिफिकेट को लैमिनेशन कर लेते हैं, तो उस तरह लैमिनेशन किया है तो उसके बैक पे किस तरह से अटेस्टेशन होगा। तो हम लोग ये वो लैमिनेशन बैक साइड से जितना अटेस्टेशन के लिए जरूरत होता है उसको रिमूव करते हैं और उस पर अटेस्टेशन करते हैं। तो अभी इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अटेस्टेशन होता है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले एम्बेसी में अटेस्टेशन करने से पहले, सबमिट करने से पहले, उसको इस तरह से अरबिक लैंग्वेज में मैरिज सर्टिफिकेट को ट्रांसलेशन करना पड़ता है। देखो ये उसको सर्टिफिकेट को अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया हुआ है, अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन ऐसा ट्रांसलेटर करता है, वो ट्रांसलेटर अपना स्टैम्प और साइन करके देता है। फिर ये ट्रांसलेशन कॉपी है ना, वो मैरिज सर्टिफिकेट के साथ आपको ये अटैच करके सबमिट करना पड़ता है। फिर एम्बेसी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक पे किस तरह से अटैचेशन होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं जो हमेशा बोलता हूँ, कोई भी अटैचेशन कोई भी कंट्री का हो, उसको अटैचेशन करना हो, तो आपको सबसे पहला स्टेप होता है नोटरी। देखो ये नोटरी किया हुआ है, ये नोटरी, ये टिकट्स है ना, ये नोटरी का स्टैंप है, ये रेड वाला स्टिकर है, ये नोटरी का स्टैंप है, और ये वाला स्टैंप, और नोटरी नोटराइज जो पर्सन होता है उसने अपना स्टैंप मार के साइन किया है, ये एडवोकेट ने। ये नोटरी होने के बाद में इसको मुंबई का मंत्रालय में सबमिट किया जाता है, जिसको होम डिपार्टमेंट होते हैं, मुंबई का होम डिपार्टमेंट। और ये होम डिपार्टमेंट कोई भी स्टेट का, केरला का, तमिलनाडु का, राजस्थान का, अहमदाबाद का, कहीं का भी मैरिज सर्टिफिकेट हो, मतलब इंडिया का कहीं का भी मैरिज सर्टिफिकेट हो, उस पे ये होम डिपार्टमेंट करके मुंबई में आप सऊदी के लिए अटेस्टेशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप होम डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे तो होम डिपार्टमेंट इस पे इस तरह से स्टैम्प मारेगा। देखो ये होम डिपार्टमेंट करके लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट मुंबई से होता है, मंत्रालय बोलते हैं उसको। देखो ये मंत्रालय में से होता है, तो इस तरह से वो ऑफिसर अपना स्टैम्प मार के साइन करके डेट मार के और ये सीरियल नंबर मार के देता है। ये होने के बाद में इस ये सर्टिफिकेट विद ट्रांसलेशन कॉपी के साथ आपको एम्बेसी में सबमिट किया जाता है। तो इसके लिए सबमिट करने के बाद में फिर सऊदी इस तरह से अपना स्टैम्प करके साइन करके देते हैं। और ये अटैच करने के लिए आपको ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, हस्बैंड का पासपोर्ट का फ्रंट बैक कॉपी और आपका हस्बैंड का इकामा कॉपी देना जरूरी होता है, तभी अटेस्टेशन का प्रोसेस होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इस तरह से एम्बेसी, देखो ये स्टैम्प मारने के बाद में आपका प्रोसेस खत्म होता है, तो आप ये मैरिज सर्टिफिकेट से फैमिली वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अटेस्टेशन करना हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस पर कॉल कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको वीज़ा के रिलेटेड सब, मतलब ट्रैवल्स के रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।